केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर हैं। यहां कैथल में उन्होंने जनसभा को संबोधित कर चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। शाह ने भरोसा जताया कि हरियाणा में इस बार 75 सीटों के पार वाली बीजेपी सरकार बनने जा रही है। रैली में अमित शाह ने विपक्षी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अभी अभी चुनाव शुरू हुआ है और हमारे विरोधियों को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि चुनाव की शुरुआत पूरब से करें या पश्चिम से करें, उत्तर से करें या दक्षिण से करें, उनके पास कोई दिशा नहीं है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर से हटाई गई धारा 370 का भी जिक्र किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने धारा 370 हटाने के खिलाफ वोट किया है, राहुल गांधी ने धारा 370 हटने का विरोध किया है। अमित शाह ने चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी हरियाणा की जनता के सामने आकर बताएं कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के खिलाफ हैं या साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राफेल की शस्त्र पूजा से कांग्रेस खुश नहीं है। मित्रों, अभी अभी देश की संसद के अंदर 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। मुझे बताइए कैथल वालों, धारा 370 हटानी चाहिए नहीं हटानी चाहिए? जरा जोर से बोलिए, हटानी चाहिए नहीं हटानी चाहिए? 70 साल से देश के हर नागरिक के मन में कसक थी कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं। धारा 370 और 35 है जम्मू कश्मीर का भारत के साथ परमानेंट कायमी जुड़ाव के बीच में एक रोड़ा है, वो हटना चाहिए। जिसका कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बालाकोट के अंदर हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे जवानों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारकर वो अपने जवानों का बदला देकर वापस आए। और मैं बताना चाहता हूं, एक भी जवान अपना मारा नहीं गया। और जब अपने जवान वापस बदला लेकर आए तो दुनिया में देश को देखने का नजरिया पूरा बदल गया। देश के रक्षा मंत्री राफेल को शामिल करने के लिए विजयादशमी के दिन फ्रांस की भूमि पर गए, उन्हें राफेल के आयुधों का शस्त्र पूजन किया और यहां कांग्रेस वालों को बहुत बुरा लग गया। राजनाथ सिंह जी ने शस्त्र पूजन किया, कांग्रेस वाले इसका भी विरोध कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, तनिक रात को सोचा करो किस चीज का विरोध करते हैं किसका नहीं करते हैं।